और आपको इसका पूरा इतिहास और मनोविज्ञान समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे यहाँ के वंचित जमात दलितों की स्थिति में सुधार होगी, पिछड़ों की स्थिति में सुधार होगी, जैसे जैसे वो महंगी गाड़ियों में चलेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, उनसे आँख में आँख मिलाकर बात करेंगे, तो इस तरह के हमले होंगे, क्योंकि वो जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति समझने की ज़रूरत है कि प्रवृत्ति है कि दलित को कैसा दिखना चाहिए, उसको फटा कपड़ा पहनना चाहिए, टूटे बर्तन में खाना खाना चाहिए, सर के बाल उसके साफ नहीं होने चाहिए। तो मैं इसे घटना, इसको संकेत मानता हूँ कि इस तरह के हम, चाहे आप देखिए, चाहे सहारनपुर हो या ऊना हो या कोरेगांव हो, वो तमाम जगह में एक ट्रेंड है, एक है ना, ट्रेंड है एक। आप बताइए, मैं एक्टिविस्ट हूँ पढ़ाने के अलावा, और मैं कहीं धरना देने जाता हूँ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सारी रिपोर्ट होती है, चार बार पुलिस फोन करता है कि अच्छा कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे और क्या प्रोग्राम रहेगा, और तमाम इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आप बताइए कि सहारनपुर हो जा रहा है, ऊना हो जा रहा है, या भीमा कोरेगांव हो रहा है, और वहाँ पर जितनी पत्थरबाजी हुई हुई है, तो क्या सरकारी एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस और तमाम लोग हैं, वो क्या सो रही थी? ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनको पता नहीं था, इनको सब पता था। और इसमें जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, और जो राइट विंग फोर्सेज हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, वो जाहिर तौर पे उसमें शामिल है, उसमें शामिल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि नोबडी किक्स अ डेड हॉर्स। जब आप पे हमले हो रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए मेंटली आप तैयार रहिए, कि मेंटली आप तैयार रहिए कि जैसे जैसे आपके अंदर चेतना का संचार होगा, जैसे जैसे आप बातों को समझेंगे और सवाल खड़ा करेंगे व्यवस्था पर, व्यवस्था पे सवाल खड़ा करेंगे, वैसे वैसे इनकी जो मिथकीय मनु बाबा की जो संतानें हैं ना, इनके माथा में जनेऊ है, इनको बहुत ही अटपटा इनको लगता है, इनको लगता है कि पेट में मरोड़ हो रहा है, सर में उनके दर्द होने लगता है। तो ये इस तरह का हमला जो है, कायराना हमला, वो एक तरह उनका फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है, समझ गए? तो इसलिए इसमें बहुत कोई सॉफ्ट स्टोरी या रोने गाने के लिए कैसे इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। संविधान हमें कई अधिकार, मौलिक अधिकार, कई अधिकार हमें देता है, संविधान प्रदत्त अधिकारों से कैसे इस परिस्थिति को हम निपटेंगे, ये हमारे पास चुनौती है। मैं तो नहीं रोता, मुझे पता है, मैं इतिहास का छात्र हूँ और इस सामाजिक ताना वाना कैसा है इसको थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग, चाहे रोहित बमुला हो, चाहे हम लोग जैसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, उनको तो फर्जी मुकदमा में फंसाएगा, हमले करवा, यही तो करेगा, यही करेगा ना, क्योंकि इनकी जो पूरी मंशा है कि हम, मैं नज़र झुका के रहूं, मालिक उनको बोलूं, नहीं बोलेंगे मालिक, नहीं नज़र झुकाएंगे। तो ये है पूरा, ये दो संस्कृतियों का टकराव है, एक तरफ इनके मिथकीय मनु बाबा हैं और एक तरफ पूरा फूले और अंबेडकर की तार्किक वैज्ञानिक परंपरा, ये टकराव है सीधा।